आपके अपने YouTube चैनल रंगसारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी में गद्य खंड में अध्याय 1 भक्तिन का सारांश। ओके, आपकी जो क्या है ये आपकी कहानी मतलब रेखा चित्र है आपका जो इसका हम पूरा सारांश देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले परिचय देख लेते हैं। तो भक्तिन क्या है? महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संसारात्मक रेखा चित्र है जो क्या है जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक से संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए क्या है उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। ओके, भक्तिन कंधी लेके महादेवी वर्मा की एक क्या सेविका थी जो आपके साथ उनके यहाँ काम करती थी। ओके, उसका उनका चित्रण किया गया है। तो भक्तिन के व्यक्तित्व की चित्रण। ओके, तो भक्तिन किस प्रकार की थी? तो भक्तिन क्या है छोटे कद और दुबले शरीर की एक गाँव में रहने वाली स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले होंठ तथा हमेशा गले में क्या कंठी माला पहनने वाली थी। भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मी था, लक्ष्मी था। ओके, और जो उसे भक्तिन नाम दिया वो किसने दिया? महादेवी वर्मा ने दिया। ओके, तो लेकिन क्या उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना मतलब क्या महादेवी वर्मा जी से प्रार्थना की कि उसके नाम का क्या प्रयोग न किया जाए। अंत में क्या है महादेवी वर्मा जी ने क्या किया उनके कंठी माला वो पहने रहती थी हमेशा तो लगती थी जैसे वो क्या है भक्तिन मतलब भक्ति करने वाली हो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया भक्तिन रख दिया। वह क्या है अहिर कुल में पैदा हुई थी। ओके, अब भक्तिन की सौतेली माँ को देख लेते हैं। तो जो भक्तिन क्या है झूसी गाँव की रहने वाली थी। लक्ष्मी का पालन पोषण मतलब भक्तिन का लालन पोषण उसी क्या है सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया गया लक्ष्मी का। ओके, और 9 वर्ष की उम्र में गौना कर दिया गया। गौना मतलब क्या है जब वो क्या ससुराल जाती है। ओके, हड़िया गांव के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ विवाह हो गया लक्ष्मी का। ओके, मतलब भक्तिन का बी माता मतलब सौतेली माँ को यह डरता हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता सारी जायदाद उसके नाम न कर दे। मतलब क्या है लक्ष्मी मतलब भक्तिन की जो सौतेली माता थी तो उन्हें लगता था कि ये क्या है लक्ष्मी के पिता अपनी पूरी जायदाद लक्ष्मी को ना दे रहे। ओके, इसलिए क्या है लक्ष्मी के पिता जब क्या है बीमार पड़े तो उसकी सूचना क्या है लक्ष्मी को नहीं दी गई। ओके, मतलब भक्तिन को नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? अगर उसे मिलती तो वो क्या है पिता से मिलने आती तो उसे डरता क्या है पिता अपनी पूरी जायदाद क्या है लक्ष्मी को ना दे रहे। संत पिता की मृत्यु दुखद समाचार उसे मायके आकर ही पता चला। मतलब उसे बताया नहीं गया कि आपके क्या पिता मर गए भक्तिन की। जब वो क्या अचानक से अपने मायके पहुंची तो उसे जब ये सब बात पता चली मिला तो सौतेली माँ का पूरा व्यवहार देखकर उसने कहा मायके में पानी तक नहीं पिया और वह वापस ससुराल लौटकर आ गई। अब लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन देख लेते हैं। तो ससुराल में भी क्या है दुख झेलना पड़ा। सास के क्या है 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी का जो हुआ था सबसे छोटे बेटे की पत्नी से होने के कारण क्या है अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी और जेठानी अपने बेटों के साथ क्या है मौज मस्ती में रहती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। ओके, अब बड़ी बेटी की शादी के बाद ही भक्तिन के पति का क्या है देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों की क्या है शादी कम उम्र में ही कर दी थी। ओके, उसने अपने बड़े दामाद को क्या है घर जमाई बना लिया था। उसके क्या है पति की मृत्यु हो गई थी तो उसने क्या है अपने बड़े दामाद को क्या है घर जमाई बना लिया। भक्तिन का दुर्भाग्य था कि क्या है बड़े दामाद का भी निधन हो गया था। जेठ के बड़े लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने के लिए जिद में जबरदस्ती उसके घर में घुस गया और बड़ी लड़की से उसने अच्छी तरह से पीटा। मतलब उसकी बड़ी लड़की ने क्या अच्छी तरह से पीटा। तब जेठ के जो लड़के का साला था वो क्या है लक्ष्मी की जो बड़ी बेटी था उसके घर में जबरदस्ती बढ़ गया। ओके, तो उसकी जो बड़ी बेटी है उसने क्या है उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा। ओके, उस युवक ने क्या है सभी से झूठ बोला। क्या बोला कि किसी लड़की ने मुझे बुलाया था उसकी बातों में आकर पंचायत ने उसे पति पत्नी की तरह क्या है साथ रहने का निर्णय दे दिया। मतलब वो लड़का क्या है जबरदस्ती उस लड़की के घर में बिड़ गया था। ओके, भक्तिन की बड़ी लड़की के घर में। ओके, लेकिन जब उसने पर लेकिन युवक ने क्या कहा उसने युवक ने कह दिया पंचायत से कि झूठा बोला कि उस लड़की ने मुझे क्या स्वयं घर में आकर बुलाया था। ओके, तो ऐसा क्या है वैसे पंचायत ने फिर क्या फैसला सुनाया कि दोनों क्या है पति पत्नी के रूप में रहेंगे। उन्हें दुखी होकर क्या पंचायत का निर्णय मानना पड़ा। अब घर में क्या गरीबी रहने लगी। ओके, झगड़ा होने लगा और लगान समय पर ना चुका पाने के कारण भक्तिन को दिन भर क्या है धूप में खड़े रहने का दंड मिला। मतलब क्या है जो लोन लिया जाता था मतलब पहले समय में क्या होता था बड़े लोगों से जमींदारों से क्या है पैसा लिया जाता था। ओके, लगान और लगान भी साथ ही लगता था लगान मतलब टैक्स लगता था तो वो नहीं जब चुका पाते थे तो उन्हें क्या है उसकी सजा के लिए दिन भर धूप में खड़ा रहने पड़ता। तो जब भक्तिन क्या है अपना क्या है लगान नहीं चुका पाई तो उसे भी क्या है धूप में दिन भर खड़ा रहने पड़ा। ओके, इस अपमान और कलंक को क्या है भक्तिन सह ना पाई और क्या है कमाने के उद्देश्य से शहर आ गई। अब गरीबी तो छाई ही थी और साथ ही वहाँ क्या है गांव में उसका क्या मान हो रहा था इसलिए वो सह ना पाई वो क्या है शहर आ गई किसने कमाने के लिए। अब वो शहर में जाकर किसके यहाँ नौकरी करती है वो महादेवी वर्मा जो लेखिका है अपनी महादेवी वर्मा उनके यहाँ नौकरी करती है भक्तिन। ओके, तो भक्तिन का अब देखेंगे हम शहरी जीवन। तो शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम करने लगी। ओके,
सुबह के समय भक्ति नहाकर लेखिका की धोती पहनकर दो मिनट क्या है जप करती और सूर्य एवं पीपल को क्या है अर्घ देती देती फिर क्या है खाना बनाती है। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन देखते हैं। ओके, तो भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहिर परिवार के स्तर का होता था, क्योंकि अहिर परिवार की थी, गांव की रहने वाली थी, तो उसी प्रकार का क्या है भोजन बनाया करती थी उन्हें। ओके, उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और क्या है मोटी मोटी रोटी सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति क्या क्वेश्चन मार्क मतलब दृष्टि डाली तो उसने क्या है भक्तिन ने उसे क्या है लाल मिर्च और क्या है अमचूर की चटनी या गांव से लाए गए गुड़ का प्रस्ताव रखा। मतलब क्या है जब उसे पसंद नहीं आया महादेव वर्मा को दाल वगैरह पसंद नहीं आई तो तब उसने क्या भक्तिन ने क्या किया लाल मिर्च और अमचूर की चटनी दे दी, साथ ही क्या है जो गांव से गुड़ लाई थी उसका भी खाने का प्रस्ताव दिया और क्या घी और गुड़ से अरुचि के कारण मतलब क्या है महादेव वर्मा घी और गुड़ अच्छा नहीं लगता था इसकी रुचि के कारण क्या है लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर क्या है विश्वविद्यालय की राह पड़ी। ओके, मतलब विश्वविद्यालय चली गई। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी किंतु वह स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। मतलब वह सोचती थी कि क्या है मैं स्वयं न बदलू लेकिन क्या है उसकी इच्छा अनुसार दूसरे बदल जाए। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया किंतु वह स्वयं कभी क्या रसगुल्ला नहीं खाया और ना ही क्या है ओए के बदले जी पर कहा। मतलब क्या है जब लक्ष्मी किसी महादेव वर्मा जी को बुलाती थी या किसी को बुलाती थी तो जी कहकर नहीं बुलाती थी, ओए यहाँ आओ मतलब ओए शब्द का प्रयोग करती थी। ओके, ओए का शब्द का प्रयोग करती थी मतलब क्या है वो अपने सुधार में नहीं लाई महादेव वर्मा से उतारने की कोशिश की मतलब वह सुधार उसमें नहीं आया, साथ ही वो अपना ग्रामीण खान पान जैसा था वैसे ही रखा। ओके, अब भक्तिन का स्वभाव देख लेते हैं। तो भक्तिन क्या है दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी किंतु वह स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती थी। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया किंतु स्वयं उसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया ना ही उसके बदले उसने क्या जी का प्रयोग किया। ओके, भक्तिन के तर्क वितर्क देख लेते हैं। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी भी मटकी में क्या है छिपाकर रख देती। मतलब क्या है जब लेखिका के पैसे इधर उधर डले रहते थे तो भक्तिन साफ सफाई करते समय क्या है वो पैसे उठाकर एक मटके में डाल देती थी। उसका मत था उसका मत मतलब उस कहती थी कि अपना घर ठहरा पैसे रुपया तो इधर उधर पड़ा देखा तो संभाल कर रख दिया। वे अपनी बातों को क्या है शास्त्र सम्मत मानती थी। मतलब जो क्या भक्तिन ने कह दिया वही सही है ये क्या है शास्त्र सम्मत मानती थी। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और क्या है वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी किंतु इसके पीछे उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती है या पढ़ती हो जाएगा। ओके, तो पढ़ती है यदि वह भी पढ़ने लगे तो क्या है घर का के काम कौन करेगी। मतलब क्या है जो भक्तिन है वो क्या पढ़ी लिखी नहीं थी। ओके, ना ही उसे हस्ताक्षर करते बनता था तो महादेवी वर्मा ने कहा होगा मतलब लेखिका ने कहा होगा क्या पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लो। तो उसका मत था वह कहते थे अगर जैसे मालकिन मेरी पढ़ती दिन भर पढ़ती रहती है और मैं भी ऐसी पढ़ने लगूं तो घर का काम क्या कौन करेगा। ओके, अब लेखिका के प्रति क्या है भक्तिन का सेवा भाव देख लेते हैं। लेखिका के साथ भक्तिन का हर समय उपस्थित रहती थी जिससे क्या है लेखिका को जिस किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वह क्या है उसकी मदद कर सके। मतलब क्या है भक्तिन क्या है लेखिका के साथ हमेशा उपस्थित रहती थी मतलब लेखिका को किसी भी चीज की आवश्यकता बढ़े तो भक्तिन तुरंत लाकर उसे दे देती थी। ओके, भक्तिन लेखिका के साथ क्या है बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गई। भक्तिन की बेटी और दामाद बुलाए आए तो क्या है भक्तिन लेखिका को छोड़ने का मन बना पाई और क्या है लेखिका के सामने भक्तिन के धन के महत्व को भी कम कर दिया और वह लेखिका के लिए क्या है अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। मतलब क्या है वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गई थी। एक बार क्या हुआ जब भक्तिन की क्या है बेटी और दामाद ने क्या है भक्तिन को बुलाया कि घूमने चले तो उसने क्या है मना कर दिया। उसने कहा कि मैं क्या है लेखिका के ही साथ ही रहूंगी। ओके, लेखिका के साथ ही रहूंगे और वह क्या है भक्तिन अब क्या है लेखिका को चाहने लगी थी और वह क्या है उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार थी। भक्तिन और लेखिका के बीच से संबंध यह मतलब लेखिका मानती थी कि उनके उसके और भक्तिन के बीच में क्या है स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। मतलब लेखिका कहती है कि क्या है भक्तिन और लेखिका के बीच क्या है स्वामी सेवक का संबंध नहीं है क्योंकि भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर देती थी लेखिका चाय कर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाए। भक्तिन लोगों को क्या है लंबे बाल और क्या है अस्वस्थ वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गहरा क्या है संबंध स्थापित हो चुका था। तो ये था क्या है भक्तिन आपका चैप्टर का सारांश। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने ये सारांश पूरा बनाया गया है ये आपके क्वेश्चन से आपके क्या है सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ आपके यहाँ कवर कर पाएंगे। ओके, वीडियो पसंद आया दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहां भी आप क्या है अनुराग सारी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं जुड़ जाइएगा जिससे आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
वेबसाइट से आप क्या है किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्लास के आप क्या है मतलब आप क्या है क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के आप क्या किसी भी चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ाता हूं। ओके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आप क्या है कोर्स वगैरह को ज्वाइन कर सके। ओके तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।